अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या हो, तो मैं बोलता हूँ आई एम अ मैन, सिग्मा मैन। कोई मुझसे पूछे तुम क्या हो, कौन हो, तो मैं बोलता हूँ आई एम अ मैन, द सिग्मा मैन। और इसीलिए मैं चलाता हूँ हुंडई की ग्रैंड i10। आग लगा दी। जी दोस्तों, आज मैं आपको इस ऑल न्यू फेसलिफ्ट ग्रैंड i10 नियोस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब नए अपडेट के साथ आ रखे काफी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है सेफ्टी में भी, और लुक वाइज यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। कंपनी ने बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस कर रखे हैं और सभी चेंजेस की यहाँ पे हम धीरे धीरे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं लुक की बात करूँ, चेंजेस की बात करूँ, सबसे पहले अगर आप फ्रंट में ही देखते हो तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा डिफरेंस देख के ही बता दोगे कि यहाँ पे जो बम्पर का डिजाइन है वो चेंज हो चुका है। अगर आप लाइट्स को देखो, लाइट्स अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो बम्पर है वो चेंज हो चुका है। अब ज्यादा इसकी जो ग्रिल है उसे व्हाइट कर दिया कंपनी, अपनी गाड़ियों की जो ग्रिल उसे काफी व्हाइट करती जा रही है, ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन लुक में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। कंपनी का कहना है इसमें प्राइस में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, मतलब पहले से ये जो गाड़ी है आपकी, मतलब मान लो 35,000 से 40,000 रुपए महंगी देखने को पड़ जाएगी। ये जो मॉडल है, मान लो अभी कंफर्म नहीं पता, लेकिन मान लो शायद आपको 9.5 लाख रुपए तक देखने को पड़ जाएगा। अब नहीं मानेंगे। बाकी देखो, पहले आपने देख रखा होगा कि यहाँ पे फॉग लैम्प आता था प्रोजेक्टर में, वो चीज हटा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से DRL टाइप की दी थी, जो कि आपकी फॉग लैम्प का भी फंक्शन वर्क करती है, थोड़ा सा हम कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं। सही पकड़े हैं। अगर लाइट्स की बात करें, लाइट्स अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी भी आपको इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी भी आपको हेलोजन में ही मिलती है। तो इंजन में ऐसा कोई डिफरेंस है, अभी भी यहाँ पे आपको 1.2 का कापा पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये फेस 2 के ऊपर आ रखा है, तो थोड़ा रिफाइनमेंट थोड़ी चीज ज्यादा मिलेगी, लेकिन पावर अभी भी उतनी मिलती है आपको। 82 BHP 14 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा, सेम वही है, उतना ही माइलेज मिलता है। तो बस कह सकते हैं थोड़ा रिफाइनमेंट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, पॉल्यूशन ये थोड़ा और कम करेगा। लेकिन अब बड़ी चीज ये हो चुकी है कि ये गाड़ी अब आपको डीजल में नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल भाई सही सुना आपने, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आएगी, डीजल इंजन अब डिसकंटिन्यू कर दिया है कंपनी ने इस कार के ऊपर। ये भगवान क्या जुलूम है। अब देखो साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज ये है कि ये गाड़ी में अब आपको जो अलॉय व्हील है 14 इंच के नहीं मिलेंगे, 15 इंच के कर दिए। पहले क्या था, टॉप मॉडल लेने में भी आपको 14 इंच के मिलते थे, अब साइज बढ़ा दिया है, तो काफी अच्छा लुक आ रहा है, डिजाइन भी इसका चेंज कर रखा है। ब्रेक्स वही है अभी भी, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे, डोर हैंडल में क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, टर्न इंडिकेटर भी इसी में आपको दे रखे हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर खाली आपको ड्राइवर साइड मिलता है, और इसमें आपको आई थिंक 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। पीछे अगर आप देखते हो, पीछे का लुक भाई बहुत अच्छा लग रहा मुझे, आगे का मतलब उतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन पीछे का लुक इस कार का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टेल लाइट का डिजाइन है वो चेंज कर देख रहे हो, इसमें पूरा ये कनेक्टिंग लुक दे रखा है, मेरे ख्याल से वेन्यू में भी ऐसी आ रहा है, तो एक डिफरेंट सा फील आ रहा है। बम्पर का डिजाइन पीछे तो वही पुरानी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बस इस चीज को चेंज कर रखा है। और हाँ, यहाँ पे भी जो हुंडई का लोगो है और जो ग्रैंड i10 है ना, ये थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, नियोस पहले की तरह वैसे ही डिजाइन में लिख रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी टॉप मॉडल है, देखो फीचर्स तो आपको वही मिल जाएंगे, रेयर वाइपर, डिफॉगर, जितनी भी चीजें, पार्किंग सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गए, सब चीजें तो बड़ा वही मिलता है। क्या कर रहे हैं यार तू, लेकिन डिग्गी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो छोटी हैचबैक है तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेसिंग तो नहीं, वही आपको 260 लीटर की ही मिल सकती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो और इसमें पार्शल ट्रे का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पीछे लाइट वाइट मिल जाएगी, और टूल किट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। हाँ, 60-40 स्लिप सीट का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका जो ओवरऑल इंटीरियर, क्या बोला तूने, एक्सटीरियर है, वो मैंने आपको दिखाया था एक बार, लास्ट टाइम दिखा देता हूँ पूरा, देखो एक बार वॉक अराउंड देख लो, पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ पे, साइड से कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ पे, और फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ पे। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। और ये देखो भाई, इंटीरियर कुछ इस तरह से है, वैसे गौर करना ज्यादा वाला कोई डिफरेंस ही इंटीरियर में, एक दो छोटी मोटी चीजें हैं फीचर्स का डिफरेंस है, बाकी पूरा इंटीरियर दिखने में एक जैसा ही है, भले आप फ्रंट से देखते हो या फिर आप साइड में से कुछ देखोगे तो ऐसा ही पूरा इंटीरियर सेम मिलता है। काफी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, बातें और पूछ तो ऐसे रहे हैं इस बंदे से जैसे मतलब बिल्कुल अभी 10 मिनट में गाड़ी खरीद ही लेंगे साले। बात तो सही है, गजब बेइज्जती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, कंपनी ने क्या है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल दे दिया, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट इन सेगमेंट है, इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन नहीं देती है। क्या बात, ये बात है। i10 में आपको ये फीचर ही मिल जाएगा, बाकी इधर जो कंट्रोल है, जो टच स्क्रीन है उसे ऑपरेट करेंगे, एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है, वही टच स्क्रीन है, सेम वही फीचर है। हाँ, इस टॉप मॉडल में अब आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। चल झूठा, मतलब जैसे आपको 2 ड्राइवर, को ड्राइवर, बाकी यहाँ साइड में देखोगे, यहाँ तो अंधेरा हो गया,
यहाँ देखते देखो ये लिखा हुआ है एयरबैग, जिनको इंग्लिश में नहीं आता, जो इंग्लिश में पढ़े लिखे नहीं है गवार साले, एयरबैग लिखा है यहाँ पे। तो 6 एयरबैग्स यहाँ पे मिलेंगे, बाकी आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल भी शायद यहाँ पर आपको मिलता है इस प्राइस रेंज में। हिल डिसेंट कंट्रोल मैनुअल गाड़ी में बहुत रेयरली चीज़ है भाई। हाँ लेकिन यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा। टॉप मॉडल है, एस्टा मॉडल है, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। भले आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करे ना करे, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया है। अगर नहीं करता गरीब लोग, आपके बाप का पैसा है। बाकी यहाँ पे आपको देखो USB का, ये देखो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दे रखा है 12 वोल्ट का ये, और यहाँ पे देखो USB का पोर्ट दे रखा है। सी टाइप का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है, और कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, देख रहे हो काले रंग का वेंट दे रखा है आपको। बाकी डोर में आपको यहाँ ड्राइवर साइड वन टच डाउन वन टच आपका जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जिसमें कहते हैं ना ट्रैक्शन कंट्रोल है उसका बटन, ये देख रहे हो आप ऑटोमेटिक इसमें है करता है। हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ये रेस के कंट्रोल, ये रहे आगे पीछे के वाइपर्स के कंट्रोल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाइस, ऊपर देखें एक बार जरा, तो बस एक स्ट्रैप दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ा सा मिरर मिल जाएगा उनमें। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं जो लाइट होती है ऊपर, जो लाइट दे रखी होती है टिंगो मिंगो सी, वो नहीं मिलती इस गाड़ी में। लाइट सिर्फ एक मिलेगी सेंटर में, वो भी अब हेलोजन में ही मिलती है। वो देखो अब उधर चले गए, पहले आइटन लेने की बात करते अब वैनी देख रहे थे, जिसमें क्या था ना साले ऐसे घूम रहे हैं ऐसे गाड़ी ले ही लेंगे भी 10 मिनट में। गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं। हाँ पीछे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है, ट्विटर का ऑप्शन अभी इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। दूसरा बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे देखो सीट्स जो है ना अब आपको डिफरेंट मिलती है। यहाँ पे आपको एक तो लेदर और फैब्रिक मिक्सचर टाइप की सीट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको फैब्रिक दे रखा है, साइड में आपको लेदर का दे जाएगा, ब्लैक कलर की स्टिचिंग हो रखी है। तो कंफर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीट अब दिखने में ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सीट मिलेगी, और सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन जो है मिल जाएगा। और पीछे देखो भैया ये अब यहाँ पे आपको एडजस्टेबल एड्रेस भी मिल जाते हैं। जो लोग कंप्लेन करते थे ना भाई यार नियोस में तो एडजस्टेबल एड्रेस ही नहीं आते, उससे अच्छा तो हम इग्नीस ले लेते हैं, वहाँ पे ये चीज़ तो मिलती है। तो भाई अब वो दिन गए, पीछे का कंफर्ट अब डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया हो चुका है। खाली इस चीज़ की वजह से वो है क्यों, क्योंकि मान लो अगर आप थोड़ा नीचे ऊपर नीचे की थोड़ा टिल्ट होकर लेटते हो कुछ भी अपना सर एडजस्ट करने की कोशिश, तो इनको भी आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, तो हेड सपोर्ट आपको अब और भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी कंफर्ट तो सेम वैसा ही, अभी सीट मैंने बहुत पीछे कर रखी है और अभी मैं इसको एडजस्ट नहीं कर रहा यार, थोड़ा सा आलस आ रहा है। पूरी बात सुन ले, चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे चूतिया। लेकिन कंफर्ट यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, और एक चीज़ और दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे पीछे आपको AC वेंट्स भी मिल जाएंगे, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, और सॉफ्ट ग्रैब हैंडल आपको हर जगह मिलते हैं। तो इस न्यू i10 फेसलिफ्ट के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलना, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है जरूर करना। अच्छा तो बहुत जल्द मिलता है आपको ऐसी और नई क्रेजी मशीन्स के साथ, तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट।